साउथ दिल्ली के चिराग दिल्ली इलाके में एक बिल्डिंग की पहली मंजिल पर आग लगने से हड़कंप मच गया। सूचना तुरंत दमकल विभाग की टीम को दी गई। वहीं मौके पर स्थानीय पुलिस भी पहुंची और आधे घंटे बीत जाने के बाद दमकल विभाग की गाड़ी पहुंची और आग पर काबू पाने की कोशिश करी। जानकारी के अनुसार बताया जा रहा है कि आग पहली मंजिल पर लगी थी। वहां पर गत्ते का गोदाम था और बिस्कुट और टॉफ़ी की एजेंसी भी थी जिसमें कार्टून भरे हुए थे। आग की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियां मौके पर पहुंची और साथ ही साथ स्थानीय पुलिस भी मौके पर मौजूद रही और लगातार आग बुझाने का प्रयास होता रहा। आग काफ़ी भयानक थी जिसमें बताया जा रहा है कि लाखों का नुकसान हो गया है। यह एक चिराग दिल्ली इलाके की तस्वीरें हैं जहां पर आप देखते हैं किस तरीके से आग की खबर सुनते ही लोगों में हड़कंप मच गया और तुरंत फायर ब्रिगेड की टीम को फ़ोन किया गया। तस्वीरों में किस तरीके से देख सकते हैं आग की लपटें बिल्डिंग के बाहर तक आ रही हैं और जानकारी के अनुसार बताया जाए तो इसमें लाखों का माल पड़ा था, वह भी जलकर खाक हो गया। बड़ी मशक्कत के बाद दमकल विभाग ने इस आग पर काबू पाया मगर जब तक गोदाम मालिक का लाखों का नुकसान हो चुका था। लाइट बढ़ गई होगी, लाइट बढ़ गई, लाइट बढ़ गई।